बीपीएससी पीटी टेस्ट सीरीज टेस्ट 7 सेक्शन बी। वेलकम टू केएसआईएस एकेडमी, द ओनली इंस्टीट्यूट इन इंडिया टू कंडक्ट टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। आज बच्चों हम लोग प्री हिस्ट्री यानी प्राग इतिहास पे बात करेंगे। अब देखिए प्राग इतिहास, ये क्वेश्चन आंसर सेशन चालू करने से पहले जरा कॉन्सेप्ट पे हम लोग ध्यान दें, और कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि पृथ्वी के गठन के 4.5 बिलियन वर्ष के बाद, आफ्टर द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, 4.5 बिलियन ईयर्स आफ्टर द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी के गठन के 4.5 बिलियन वर्ष के बाद, ये आप देख रहे हैं अफ्रीका, यहां पे बहुत ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन हुआ, बहुत ज्यादा ज्वालामुखी उद्गार हुआ, और ज्वालामुखी उद्गार होने के बाद क्या हुआ कि जो मैग्मा, जो ज्वालामुखी निकलता है, जिसको कि पृथ्वी के ऊपर वो जब सेटल कर जाता है उसको हम लोग मैग्मा कहते हैं, तो उस मैग्मा से बहुत ही अजीबो गरीब रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकला। यानी ज्वालामुखी उद्गार के बाद जो मैग्मा से रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकला, उससे क्या हुआ कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट अंडरवेंट मेनी चेंजेस, जो पृथ्वी का जो वातावरण था उसमें काफी बदलाव आया, और बदलाव आने के बाद हम लोग देखते हैं कि इस तरह का ओल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी बोलते हैं, जो पहला हम लोग जो बंदर कहिए हिंदी में, ओल्ड वर्ल्ड मंकी, जिसको कि हम लोग अपने कहते हैं कि ये लोग हमारे, उनके ये हमारे एंसेस्टर हैं, मतलब ये हमारे पूर्वज हैं। तो हमारे पूर्वज, बायोलॉजी में बात कीजिए तो प्राइमेट्स का एक नया क्लास, प्राइमेट्स का एक नया क्लास हमारे पूर्वज ओल्ड वर्ल्ड मंकी जिनको कहते हैं, ओल्ड वर्ल्ड मंकी का उदय हुआ। और इस उदय के बाद, ये उदय क्यों हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन हुआ था इस समय, बहुत ज्यादा रिपीटेडली जो है ज्वालामुखी का उद्गार होते चला गया, और इसमें से अजीब सा रेडियो एक्टिव विकिरण निकलना चालू हुआ, और रेडियो एक्टिव विकिरण निकलने से क्या हुआ बच्चों कि पृथ्वी के वातावरण में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ। याद रखिएगा, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट अंडरवेंट मेनी चेंजेस, पृथ्वी के वातावरण में बहुत सारा बदलाव हुआ, और याद रखिएगा इसी पृथ्वी के वातावरण में बदलाव के कारण मानव जाति का उदय हुआ, और इसी पृथ्वी में वातावरण के कारण ही मानव जाति जो है पृथ्वी से लुप्त हो जाएंगे। तो मार्क माई वर्ड्स, तो हुआ क्या कि पृथ्वी के वातावरण में बहुत बदलाव आया, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट चेंज, और एक मानव जाति का युग चालू हुआ, जिसको कि हम लोग कहते हैं, जिसको कि हम लोग ह्यूमेनोजॉइक एरा कहते हैं, है ना, ह्यूमेनोजॉइक एरा, यानी मानव जाति का उद्गार वाला युग की शुरुआत होती है। और देखिए, जो मानव जाति का एक अपना अनुवांशिक क्षेत्र है, एक अपना इनका जेनेटिक रीजन है, और जेनेटिक जो उनका अपना रीजन है उससे ये लोग अट्रैक्ट करना चालू किए। मानव जाति में नया चीज क्या देखा गया, नया चीज ये देखा गया कि इनका जो मस्तिष्क था, ब्रेन, वो बड़ा था, और जो डेवलप्ड विकसित ब्रेन था इनका, जो डेवलप्ड ब्रेन था, इससे ये क्या करने लगे, पर्यावरण को समझने लगे। अब एनवायरनमेंट को कैसे समझे, ये पर्यावरण को कैसे महसूस किए, क्योंकि इनके पास ज्यादा ब्रेन होने से, इनलार्ज ब्रेन होने से, बड़ा मस्तिष्क होने से, दिमाग होने से, इनको एक क्षमता विकसित हो गई सोचने का, जो कि और सब जानवरों में हम लोग नहीं देखते थे। मीन्स ह्यूमन बींग्स डेवलप द एबिलिटी टू थिंक, टू बी कॉन्शियस, इनमें चेतना भी जागने लगी,
उनको टू रिमेम्बर इनकी याददाश्त भी बनने लगी और ये लोग कल्पना करने लगे, यानी दे डेवलप द एबिलिटी टू थिंक, दे बिकेम कॉन्शियस, दे स्टार्टेड रिमेम्बरिंग थिंग्स एंड दे बिगैन टू इमेजिन। कहने का मतलब दे गेन, वो उनको सोचने की शक्ति विकसित हो गई उनमें, उनमें चेतना जागी, उनको याददाश्त याद रहने लगा और ये कल्पना करने लगे। तो कल्पना करते करते ये पूरे अपने पर्यावरण को जो है अच्छी तरह से ये जानने लगे, समझने लगे। अब जो है इस समय लगातार बहुत ज्यादा ज्वालामुखी का उद्गार भी हो रहा था। तो ये बात, मूल बात ये है कि ह्यूमन ब्रेन्स जो है विकसित होना चालू हो गया और करीब 12 लाख वर्ष पूर्व, 12 लाख ईयर्स बिफोर, 12 लाख वर्ष पूर्व, आज से 12 लाख ईयर्स अगो, ये जो आप मानव जाति को देख रहे हैं, जो अफ्रीका में जिनका हम लोग उदय देखते हैं, अफ्रीका में पहला मानव जाति के अवशेष को पाते हैं, उनको देखते हैं, ये लोग क्या किए कि ये अफ्रीका, ये है आपका अफ्रीका, ये अफ्रीका से, ये क्षेत्र जो देख रहे हैं ये अफ्रीका है, इस क्षेत्र से बाहर निकलना ये लोग चालू कर दिए और धीरे धीरे यहां से ये लोग उत्तरी अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और मध्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका सॉरी माफ कीजिएगा अफ्रीका से ये लोग नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका की तरफ ये लोग बढ़ने लगे। और ये वाकया है 15,000 वर्ष पूर्व, और 10,000 वर्ष पूर्व आप देख रहे हैं ये दक्षिण अमेरिका का टिप है, दक्षिण अमेरिका का ये कोना है, और 10,000 वर्ष पूर्व ये दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका ये पहुंच गए। अब चूंकि इनका दिमाग विकसित था, ब्रेन डेवलप था, पर्यावरण को अच्छी तरह से, एनवायरमेंट को खोजने लगे, तो 10,000 वर्ष पूर्व चूंकि ये पर्यावरण को, एनवायरमेंट को, पेड़ पौधों, मिट्टी, पानी, सब संसाधन को अच्छी तरह से जानने लगे, तो 10,000 ईयर्स बिफोर देयर वाज एन एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, जिसको कि हम लोग नवपाषाण युग या नियोलिथिक एज कहते हैं। अब इसमें क्या हुआ, कृषि क्रांति जो आई 10,000 वर्ष पूर्व, मतलब बहुत ज्यादा इनके पास खाद्य पदार्थ हो गया और खाद्य पदार्थ जाना होने के कारण इनके पास जो है आबादी भी बढ़ने लगी। और इसी समय देखेंगे कि आप जो है मेजर जो सभ्यता है, ये मिस्र की सभ्यता, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, आपका चाइना का सिविलाइजेशन या सभ्यता, और इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता भी इसी समय हुआ, इसी समय गांव से शहर की ओर। और इसी तरह का हम लोग जो है मानव दिमाग के विकास के कारण हम लोग ये देख रहे हैं। तो ये कहानी है 10,000 वर्ष पूर्व। अब देखिए करीब 5,000 वर्ष पूर्व आपके यहां शहर की क्रांति हुई, अर्बन रेवोल्यूशन हुआ, चूंकि हम लोग कृषि कर सकते थे, खदान बना सकते थे, ज्यादा से ज्यादा आबादी हम लोग देख रहे हैं कि ज्यादा ज्यादा आबादी को खाना खिलाया जा सकता था, तो लोग क्या किए, अपने में विशेषता पैदा करने लगे। कुछ लोग लोहा का काम करने लगे, कुछ लोग पेंटिंग करने लगे, कुछ लोग खनिज की खोज करने लगे, तो व्यापार बढ़ा, और व्यापार बढ़ा, ट्रेड बढ़ा, तो बहुत सारी सभ्यता के बीच में आदान प्रदान हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही बहुत सारे सभ्यता के साथ ट्रेड हुआ, और इसी तरह ये कार्यक्रम चलते रहा। लेकिन देखा यह गया कि 2400 वर्ष पूर्व, जिसको कि हम लोग धार्मिक क्रांति या रिलीजियस रेवोल्यूशन की बात करते हैं, 24 वर्ष पूर्व जो है व्यापार के कारण जो है लालच बढ़ गया, लोग आपस में लड़ाई करने लगे, तब ऐसे स्थिति में आपका धर्म क्रांति आया, मैंने धर्मी बहुत सारे क्षेत्र को नियंत्रण करने लगी। फिर धर्म के बाद जो हम लोग कुछ दिनों पर देखते हैं कि 300 वर्ष पूर्व आपके यहाँ औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, डेमोक्रेसी की बात आई, लोकतंत्र की बात आई,
मानव विकास अपने विकसित दिमाग से आधुनिक युग में प्रवेश कर गए, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुआ और आज हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे हैं। तो सवाल ही उठता है कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो से जो भी मानव और पर्यावरण के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे उस चीज का महत्व समझेंगे। और इसी के लिए आपका टेस्ट 7 सेक्शन बी है जिसका टॉपिक है प्राग इतिहास प्री हिस्ट्री। तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। देखिए बच्चों, हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है जिसको हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ये देखिए, ये प्राग ऐतिहासिक काल है या पाषाण काल है। इसको हिंदी, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्री हिस्ट्री। इंग्लिश में इसको प्री हिस्ट्री कहते हैं, प्री हिस्ट्री, राइट, प्री हिस्ट्री। तो हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इतिहास को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। पहला भाग जो होता है उसको हम लोग प्री हिस्ट्री कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। और दूसरा पार्ट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं आदि इतिहास, इंग्लिश में कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री, इंग्लिश में कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री, इंग्लिश में कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। और तीसरा काल जो होता है उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं, हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। हिस्ट्री इज डिवाइडेड इंटू 3 पीरियड्स, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। इतिहास 3 भाग में बांटा जाता है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब तीनों में अंतर समझते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोग वो बातें देखते हैं कि जब मानव जाति का उदय हुआ, when human beings came into existence, obviously इनका विकसित माइंड था, ब्रेन था, तो एनवायरनमेंट को ये लोग स्टडी किए। आगे क्वेश्चन बहुत और भी क्लियर हो जाएगा। तो पेड़ को देखे, फल को देखे, फूल को देखे, देखे कि कैसे मिट्टी से फसल उगाया जा सकता है। पहले ये लोग क्या थे, एक जगह से दूसरे जगह खाद्य पदार्थ खाने के लिए घूमते थे। इसको हम लोग इंग्लिश में हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमी कहते हैं, है ना, जो कि एक जगह से दूसरे जगह ये लोग खाने के लिए और फिर आश्रय के लिए, रहने के लिए भी एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। और मान लीजिए कोई पेड़ से छाल निकालना है या पेड़ से कुछ निकालना है या फल निकालना है या सामने मछली दिखाई दिया तो उसको तोड़ना है, तो ये क्या करते थे, पत्थर को तोड़ तोड़ के उसका औजार बनाते थे। मुख्यतः ये स्टोन एज से पाषाण युग से, यानी जब पाषाण युग का मतलब होता है पत्थरों का इस्तेमाल औजार के रूप में, यूज ऑफ स्टोन एज अ टूल। इनके बारे में प्राग ऐतिहासिक काल नाम इसलिए दिया जाता है कि जो भी हम लोग को इस समय का जो साक्ष्य मिला है, हम लोग कैसे जाने, आज से जो 10 लाख वर्ष पूर्व घटना हो चुका है उसको हम लोग कैसे जानेंगे, कोई लिखित इनका फाइल तो है नहीं। तो इनके छोड़े हुए अवशेष जो कि हम लोग को आर्कियोलॉजी के माध्यम से, पुरातत्व के माध्यम से मिलता है, वही स्रोत है। तो चूंकि यहां कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, नो रिटन एविडेंस, इसलिए इस पीरियड को हम लोग प्री हिस्ट्री कहते हैं, प्राग इतिहास कहते हैं। दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री जिसको हम लोग आदि इतिहास कहते हैं। प्रोटो हिस्ट्री में क्या है या आदि इतिहास में क्या है कि रिटन एविडेंस है, लिखा हुआ है, लेकिन उसको हम लोग इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, डेसिफर नहीं कर पा रहे हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है। और सबसे अच्छा उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहां पे भी हमारा जो इतिहास जो हम लोग को मालूम चला, हम लोग को आज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कैसे मालूम चलता है, लिखित है, लेकिन मुख्यतः जो हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं पुरातत्विक
संसाधनों से. सो यू हैव बोथ द आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल एविडेंस, मीन्स यू हैव बोथ द आर्कियोलॉजिकल एंड रिटन मटेरियल इन प्रोटो हिस्ट्री, बट द प्रॉब्लम इज दैट यू कैनॉट डेसिफर द रिटन एविडेंसेस. सो वी हैव टू रिलाई एक्सक्लूसिवली ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस. तो ये आद ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्ट्री में आता है. एंड फाइनली ऐतिहासिक काल, जैसे आपका मौर्य एज हुआ, जैसे आपका भारत का स्वतंत्र संग्राम हुआ, अकबर की जीवनी हुई, इसमें हम लोग को पुरातात्विक स्रोत भी मिलता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी मिलता है और रिटन एविडेंस मिलता है, और रिटन एविडेंस को हम लोग पढ़ भी सकते हैं. तो इसी आधार पे हिस्ट्री को तीन भाग में बांटा जाता है. प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें, यानी प्रोटो हिस्ट्री की बात करें, तो प्रोटो हिस्ट्री को तीन भाग में बांटते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक. पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग. और आपका पूरा पाषाण युग, यानी इंग्लिश में बोलते हैं पैलियोलिथिक एज, ये पूरा पाषाण युग है. पूरा पाषाण युग को भी हम लोग तीन भाग में बांटते हैं, निम्न पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और ऊपरी पाषाण युग या लेटर पैलियोलिथिक एज. क्वेश्चन के साथ हम लोग का और भी सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर वन चालू करने से पहले इसको देखिए, इस स्लाइड को. इसको कहते हैं थ्री एज सिस्टम. थ्री एज सिस्टम, तीन आयु प्रणाली. ये डेनमार्क में ये प्रणाली विकसित की गई थी. जब ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ा गया, मानव इतिहास पढ़ा गया, तो देखा गया कि एक शुरू में मानव जाति जो है पत्थर का औजार बनाते थे. धीरे धीरे इनको कास ब्रॉन्ज का औजार भी बनाने लगे, क्योंकि जैसे वैसे वैसे पर्यावरण एनवायरनमेंट के बारे में लोग जानने लगे. और फाइनली आयरन. पाषाण युग आप पैलियोलिथिक कह सकते हैं, ब्रॉन्ज या कास आप इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हैं, और आयरन लोहा कह सकते हैं. तो इसको कहते हैं थ्री एज सिस्टम, यानी तीन तरीके का औजार. एक पत्थर का बना हुआ, एक कास कॉपर का ब्रॉन्ज का बना हुआ, और एक आपका आयरन लोहा का बना हुआ. चलिए क्वेश्चन नंबर वन हम लोग चालू करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द थ्री एज सिस्टम? स्टोन यस, ब्रॉन्ज यस, आयरन यस. तो सही आंसर डी ऑल द ऑप्शंस. निम्नलिखित में से कौन तीन आयु प्रणाली में शामिल है? पत्थर यस, कास यस, लोहा यस. तो आंसर है वन का डी, सभी विकल्प. क्वेश्चन नंबर टू, हम लोग स्टोन एज को तीन भाग में बांटते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक. हम लोग पाषाण युग को तीन भाग में बांटते हैं, पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल और नियोलिथिक यानी नव पाषाण काल. क्वेश्चन यह है कि स्टोन एज पीरियड यानी पाषाण युग का सबसे लंबा युग कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट ऑफ द स्टोन एज पीरियड्स? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक. निम्नलिखित में से कौन पाषाण युग का सबसे लंबा काल है? पैलियोलिथिक या पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक या मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक या नव पाषाण काल. तो सही आंसर है टू का ए, पैलियोलिथिक. सही आंसर है दो का ए, पूरा पाषाण काल. क्वेश्चन नंबर तीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ऑफ द स्टोन एज पीरियड? अब हम लोग देखें कि स्टोन एज में आपका पैलियोलिथिक भी आता है, मेसोलिथिक भी आता है, नियोलिथिक भी आता है. पाषाण युग में आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल आता है. अब सवाल उठता है कि इसमें सबसे पुराना कौन है, सबसे पहले कौन सा आया है?
तो सबसे पहले आया है पैलियोलिथिक एज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ऑफ द स्टोन एज पीरियड? सो पैलियोलिथिक इज द ओल्डेस्ट ऑफ द स्टोन एज पीरियड, थ्री का है ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन पाषाण युग का सबसे पुराना काल है? तो पूरा पाषाण काल सबसे पुराना है। अब देखिए, अब पाषाण युग में, स्टोन एज में जो भी हमारे पास स्रोत है, सोर्स है, वो आर्कियोलॉजी है, पुरातत्व है। तो जरा पुरातत्व और आर्कियोलॉजी का मतलब समझ लीजिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में हम लोग समझ लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे क्या क्या आता है। देखिए, पुरातत्व जो शब्द है, संस्कृत का पूरा और तत्व से बना है, पुरातत्व। पूरा का मतलब होता है प्राचीन, पुराना, और तत्व का मतलब होता है वस्तु, यानी पुरानी वस्तु का अध्ययन पुरातत्व है, ये एक विज्ञान है, ठीक है। तो प्राचीन काल के जो भी अवशेष हैं, चाहे प्राचीन वास्तु शिल्प हो, घरेलू सामान हो, सिक्का हो, मनका हो, खिलौना हो, कृषि का औजार हो, जैविक तथ्य हो, भू स्वरूप हो, सब चीज हम लोग पुरातत्व, इसके अवशेष को हम लोग पुरातत्व में पढ़ते हैं। आर्कियोलॉजी, व्हाट इज आर्कियोलॉजी? आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट थ्रू इट्स फिजिकल रिमेन्स। व्हाट वी स्टडी? एनिमल स्केलेटल रिमेन्स, बिल्डिंग्स, स्ट्रक्चर्स, रेसिड्यूज, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन आर्कियोलॉजी। ये देखिए, पॉलन ग्रेन्स जो है उसका हम ये आर्कियोलॉजी में आता है। ये सब जो भी देख रहे हैं अवशेष जो है मन का, ये पुरातत्व आर्कियोलॉजी में आता है। ये स्केल्टन ढांचा, ये सारा पुरातत्व के द्वारा ही हम लोग को मालूम चलता है, आर्कियोलॉजी के द्वारा ही मालूम चलता है। ये सब खिलौने, पुराने पुराने प्राचीन काल के खिलौने, ये सारा हम लोग को, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो या पाषाण युग हो, चाहे कोई भी सभ्यता हो, हम लोग को इसी पुरातत्व रिमेन्स, ये आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है। तो सारा कुछ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है। उसी पे क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज आर्कियोलॉजी स्टडीज? आर्टिफैक्ट्स, यानी पुराने पुराने जो आर्ट का खिलौना वो सब, यस, 4 का ए सही है, 4 का ए आपका सही है। ह्यूमन एंड एनिमल स्केल्टल रिमेन्स, यस। प्लांट रिमेन्स, यस। माइक्रोस्कोपिक और मॉलिकुलर रेसिड्यूज, यस। तो सही आंसर 4 का ए बी सी डी। निम्नलिखित में से कौन पुरातत्व का अध्ययन क्षेत्र है? कला आकृतियां, यस। मानव और पशु कंकाल अवशेष, यस। पौधा अवशेष, यस। सूक्ष्म या आण्विक अवशेष, यस। 4 का ए बी सी डी, 4 का ए बी सी डी, है ना। तो चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आज जो पुरातत्व के लोग है ना, प्राचीन पाषाण युग के लोग, जो कि सामने कुत्ता देख लिए या कोई जानवर देख लिए, पेड़ देख लिए, अब ये लोग क्या करते थे कि एक जगह से दूसरे जगह खाने के लिए, खाने का सामग्री ढूंढने के लिए जाते थे। तो भाई मान लीजिए कोई खाने का पदार्थ हो, है ना, ये घुमंतु जाति थे, खाने का कोई पदार्थ हो, फूड ग्रेन्स हो, फूड आइटम हो, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह कैसे टांग के ले जाएंगे? उसके लिए झोला चाहिए ना, झोला। और झोला मिल गया बहुत ज्यादा है भारी, तो उसमें रस्सी भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग वे यूज बाई प्री हिस्टोरिक मैन टू मेक रोप एंड फूड कंटेनर्स? प्राग ऐतिहासिक काल के मानव द्वारा रस्सी और खाद्य पात्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता था? देखिए, ये जो है इसको ध्यान से देखिए, ये जानवरों का नस है, वेन्स, नस नस, और इसको जो है रस्सी का रूप दे दिया गया, इसी से रस्सी बनता था पाषाण काल में। इसको देखिए, ये है जानवर का आंत, ये जानवर का आंत है, इंटेस्टाइन ऐसे लगेगा, इसी को झोला बना दिया जाता था, बैग। विच ऑफ द फॉलोइंग वेर यूज बाय प्री हिस्टोरिक मैन टू मेक रोप एंड फूड कंटेनर्स? साइनी ऑफ एनिमल्स, मतलब वेन्स, नस,
इंटेस्टाइन ऑफ एनिमल्स, इसके लिए रस्सी, इससे रस्सी बनता था, इससे झोला बनता था, बैग। प्रागैतिहासिक काल के मानव द्वारा रस्सी और खाद्य पात बनाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता था? जानवरों की नस और जानवरों की आंत। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आर्कियोलॉजी? ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टोन, सिरामिक एंड मेटल सर्वाइव मच बेटर देन दोज मेड ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स सच एज लेदर, टेक्सटाइल, वुड एंड प्लांट मैटर। अब देखिए, हम लोग मान लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो उसमें कोई लेदर आर्टिफैक्ट्स हो, लेदर मटेरियल का कुछ हो, तो अभी तक उतना सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन वही कोई स्टोन वर्क में हो या मेटल हो तो सर्वाइव करेगा। तो ये ऑप्शन आपका सही है। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स आर ऑफन अंडरग्राउंड। हमेशा देखिएगा कि जो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होता है हमेशा अंडरग्राउंड होता है। क्या होता है कि खेती करने से जो हल चलता है उससे बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल मटेरियल, खास करके लेदर, टेक्सटाइल, वुड, प्लांट मटेरियल, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो प्लॉइंग हैज़ डिस्ट्रॉयड एंड बरीड मैनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स। तो सी भी आपका सही है। तो सिक्स का सही ऑप्शन है डी। पुरातत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पत्थर, चीनी मिट्टी और धातु जैसी वस्तुएं बेहतर स्थिति में पाई जाती है, ये सही है। पुरातत्विक अवशेष अक्सर कहाँ भूमिगत होते हैं, भूमि के अंदर होते हैं, ये भी सही है। जुताई ने कई पुरातत्विक स्थलों को नष्ट और दफन कर दिया है, ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शन सभी विकल्प। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे। व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग जियोलॉजिकल एज फॉर पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज? पूरा पाषाण काल या पुराने पाषाण युग के लिए संबंधित भूवैज्ञानिक युग क्या है? देखिए, आप लोग हैं सिविल सर्विसेज स्टूडेंट्स, हिस्ट्री को सिर्फ हिस्ट्री के रूप में मत पढ़िए, उसको ज्योग्राफी से, जियोलॉजी से। भाई, जैसे जैसे पृथ्वी का विकास हुआ, जैसे जैसे अर्थ का एवोल्यूशन हुआ, उसी तरह ह्यूमन का भी एवोल्यूशन हुआ। तो हिस्ट्री को जियोलॉजी से आप अलग कैसे कर सकते हैं, हिस्ट्री को ज्योग्राफी से कैसे अलग कर सकते हैं? तो पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण युग कहने का मतलब है कि स्टोन एज कहने का मतलब है स्टोन इक्विपमेंट, स्टोन टूल्स, टूल्स मेड ऑफ स्टोन। पाषाण युग का मतलब है, अर्थ है, जब मानव जाति पत्थरों का औजार बनाते थे। ये तो हो गया हिस्ट्री का पार्ट। अब सवाल उठता है कि क्या पृथ्वी में भी बदलाव आया? भाई, पृथ्वी का गठन से और आज पृथ्वी में लगातार बदलाव आ रहा है। अर्थ इज कॉन्स्टेंटली चेंज, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, सॉरी, अर्थ इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो जो आपका पृथ्वी जो है चेंज कर रहा है, तो पहले तो याद रखिए कि पैलियोलिथिक एज यानी पूरा पाषाण युग जो है कब से चालू हुआ है? ये चालू हुआ है 2.5 मिलियन ईयर्स अगो, 25 लाख वर्ष पूर्व जो है ये आपका पूरा पाषाण युग की शुरुआत हुई है। अब यदि पृथ्वी को भी पृथ्वी के आयु को चार भाग में बांट सकते हैं, इसी को कहा जाता है चतुर्धातुक काल, क्वार्टरनी पीरियड। पृथ्वी के उम्र को, आयु को, एज को चार भाग में आप बांट सकते हैं, जिसको कहते हैं क्वार्टरनी पीरियड या चतुर्धातुक काल। अब इसमें देखेंगे लास्ट जो पीरियड है सिस्टम में, क्वार्टरनली चतुर्धातुक जो है, इसमें दो क्रम है, एक प्लिस्टोसीन है, दूसरा होलोसीन है। प्लिस्टोसीन और होलोसीन, होलोसीन का मतलब होता है जब आपके नया नूतन, प्लिस्टोसीन नूतन नया, होलोसीन अति नूतन, तुरंत। तो आज हम लोग होलोसीन में हैं। प्लिस्टोसीन में क्या था कि आधुनिक जो मनुष्य हैं, जो हम लोग होमो सेपियंस सेपियंस हैं, पहले पूर्वज यानी हम लोग पैलियोलिथिक की बात करें, आज से 25 लाख वर्ष पूर्व 2.5 मिलियन ईयर्स अगो, तो प्लिस्टोसीन में ही ये नजर आए थे। तो अब देखिए, क्वेश्चन आपका यही है, व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग जियोलॉजिकल एज, मतलब अर्थ का एज फॉर पैलियोलिथिक, यानी मनुष्य का पैलियोलिथिक है
तो मनुष्य का एज में पैलियोलिथिक कह दीजिए, तो अर्थ का एज क्या है उस समय, जियोलॉजिकल एज कौन सा है, तो वो है आपका प्लिस्टोसीन। 7 का है बी ऑप्शन। पूरा पाषाण काल या पुराने पाषाण युग के लिए संबंधित भूवैज्ञानिक युग कौन सा है, तो वो है आपका प्लिस्टोसीन। 7 का है बी, 7 का है बी। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखिए एक और चीज, क्वेश्चन नंबर 8 से पहले क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन स्पीसीज वेयर एसोसिएटेड विद पैलियोलिथिक एज। अब देखिए, मानव जाति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स एक तरफ, दूसरी तरफ एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का विकास, और तीसरे तरफ जो है मानव जाति का जो विकास है बायोलॉजिकली के रूप में, देखिए बायोलॉजी में, कि बायोलॉजी के आधार पे उस समय मानव जाति में क्या क्या बदलाव आ रहा था। बाल बहुत ज़्यादा थे, नाखून बहुत बड़ा था, है ना, मस्तिष्क बहुत बड़ा था या छोटा होते चला गया, तो ये सब जो है। तो क्वेश्चन इसी पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन स्पीसीज वेयर एसोसिएटेड विद पैलियोलिथिक एज। निम्नलिखित में से कौन सी मानव प्रजाति पूरा पाषाण युग से जुड़ी हुई थी। अब इसको आंसर देने के देखने के लिए पहले हम लोग चलते हैं, ये देखिए, ये इसको देखिए, ये 40 लाख वर्ष पूर्व हम लोग को अफ्रीका में मिला है, यदि सही बोले तो ईस्टर्न अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका में। इसको हम लोग कहते हैं ऑस्ट्रोलोपिथेकस एफरेंसिस, ये है ऑस्ट्रोलोपिथेकस एफरेंसिस। ये 4 मिलियन ईयर्स अगो, 40 लाख वर्ष पूर्व पहले देखे गए हैं, तो ये पैलियोलिथिक पूरा पाषाण के साथ नहीं मैच करते हैं। अब इन्हीं का एक जो है मिलता जुलता एक और जीवाश्म मिला है हम लोग को इथियोपिया में, जिसको कि हम लोग कहते हैं लूसी। ये देखिए, ये हड्डी मिला है मानव जाति का, और इसको रिकंस्ट्रक्ट कर गया तो इस तरह का हम लोग को गठन मिला है, इनका नाम है लूसी। ये इथियोपिया में मिला है और इनका समय है 3.2 मिलियन ईयर्स अगो, यानी 30 लाख वर्ष पूर्व, तो ये भी आपके पैलियोलिथिक नहीं हुए। अब लूसी और ये आपका ऑस्ट्रोलोपिथेकस एफरेंसिस में, दोनों में मानव जाति से क्या समानता है जान लीजिए, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि दोनों बाइपेडल थे, मतलब दोनों पैर से चल सकते थे। पहले क्या था कि लोग जो आपके मानव जाति से पहले जो हम लोग ओल्ड वर्ल्ड मंकी की बात करते हैं, वो चार, दो आगे दो पीछे, माने चार पैर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन हम लोग ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस से हम लोग को मालूम चला कि ये लोग दो पैर पे चलने लगे हैं। ठीक है, अब देखिए, हम लोग आधुनिक मानव जाति हैं, मॉडर्न मैन जो हैं होमो सेपियंस सेपियंस हैं, यानी होमो स्पीसीज, हम बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे स्पीसीज प्रजाति। तो इसका जो सबसे पहला हम लोग को आंसर मिला है, पहला उदाहरण मिला है, वो मिला है होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस, है ना। और होमो हैबिलिस के बारे में भी हम लोग उतना अच्छा से नहीं कर पाएंगे, लेकिन मान के चलिए कि होमो हैबिलिस जो है पैलियोलिथिक एज पूरा पाषाण युग के साथ शुरू हो गया 20 लाख वर्ष पूर्व, ये हम लोग को मिला है ईस्ट अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में। ये है होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, इरेक्टस मतलब स्ट्रेट, तो होमो इरेक्टस 20 लाख वर्ष पूर्व पहले मिले हैं, ये पैलियोलिथिक के साथ कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, और अफ्रीका से मिले और यूरेशिया में मिले, यूरोप में मिले, एशिया में मिले और अफ्रीका में मिले। और सबसे होमो इरेक्टस के बारे में याद रखिएगा कि अग्नि को नियंत्रित, यानी फायर को देखने वाले, फायर का आविष्कार, अग्नि का आविष्कार किए हैं ये होमो इरेक्टस। लेकिन 70,000 वर्ष पूर्व पहले ये लोग लुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। जब उसी समय होमो हिल्डर बेंजेंसिस, इनको बोला जाता है ग्रेट हंटर, है ना, बहुत जानवरों का ये शिकार करते थे, तो शिकार अर्थव्यवस्था था। और होमो हिल्डर बेंजेंसिस के बारे में बोला जाता था कि ये किस तरह का लैंग्वेज, भाषा भी ये लोग चालू किए थे। ये लोग अफ्रीका और यूरेशिया में मिले हैं, यूरेशिया का मतलब यूरोप और एशिया, और अफ्रीका में मिले हैं, और करीब
दो लाख वर्ष पूर्व ये लोग लुप्त हो गए। तो होमो हिल्डरजिबेंसिस जो कि एक भाषा का ये लोग शुरुआत, भाषा का शुरुआत, लैंग्वेज का स्टार्टिंग हम लोग यहीं से ट्रेस करते हैं। फिर आपका मॉडर्न ह्यूमन होमोसेपियंस, फिर होमोसेपियंस सेपियंस, ये आपको ईस्ट अफ्रीका में दो लाख वर्ष पूर्व मिले हैं। होमोसेपियंस सेपियंस यानी जो आज हम लोग हैं ये ईस्ट अफ्रीका में दो लाख वर्ष पूर्व, टू लाख ईयर्स अगो, टू मिलियन ईयर्स अगो मिले हैं। फिर अफ्रीका से ये लोग यूरोप गए, यूरोप अफ्रीका से ये लोग यूरोप और एशिया की तरफ मूव किए 60,000 वर्ष पूर्व पहले। मीन्स फ्रॉम द लास्ट 60 ईयर्स दे माइग्रेटेड फ्रॉम अफ्रीका टू यूरोप एंड एशिया। अब इसी पे क्वेश्चन आप बनाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन स्पीसीज वेर एसोसिएटेड विद पैलियोलिथिक एज। तो बी होमो हैबिलिसिस, होमो इरेक्टस एंड होमो हाइडलबर्जेंसिस। तो सही ऑप्शन है आपका बी सी और डी, एट का बी सी और डी। निम्नलिखित में से कौन सी मानव प्रजाति पूरा पाषाण युग से जुड़ी हुई है, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो हाइडलबर्जेंसिस। तो क्वेश्चन नंबर एट का सही ऑप्शन है बी सी और डी। क्वेश्चन नंबर नाइन चलते हैं। द अर्थ इज नियरली 4,000 मिलियन ईयर्स ओल्ड, द एवोल्यूशन ऑफ इट्स क्रस्ट सो फोर स्टेजेस। जिस पे हम लोग अर्थ पे जो हम लोग खड़े हैं, जिस पोर्शन पे हम लोग खड़े रहते हैं उसको बोलते हैं क्रस्ट, और अर्थ का एवोल्यूशन जो है 4,000 मिलियन ईयर्स अगो से चालू हो गया। अर्थ के एज को हम लोग चार भाग में बांट के हैं, द फोर्थ स्टेज इज कॉल्ड द क्वार्टरनरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद क्वार्टरनरी स्टेज। तो प्लिस्टोसीन एंड होलोसीन आर एसोसिएटेड विद क्वार्टरनरी स्टेज, नाइन का ए और बी। पृथ्वी लगभग 4,000 मिलियन वर्ष पुरानी है, इसकी पपड़ती का विकास चार चरणों को दर्शाता है, चौथे चरण को चतुर्थ कल्प कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ कल्प अवस्था से संबंधित है, प्लिस्टोसीन अत्यंत नूतन और हिलोसीन यानी नूतन युग मतलब मोस्ट रिसेंट। तो नाइन का ए और बी। टेन, व्हाट इज द पीरियड ऑफ पैलियोलिथिक एज। पूरे विश्व में पूरा पाषाण काल की अवधि क्या है, 2.5 मिलियन ईयर टू 10,000 ईयर्स अगो, 2.5 मिलियन साल यानी 25 लाख वर्ष पहले से लेके 10,000 वर्ष पहले तक। तो 10 का सही ऑप्शन है आपका ए, 10 का सही ऑप्शन है आपका ए। 11, तो अभी हम लोग देखें कि 25 लाख से लेके 10,000 वर्ष तक ये पूरे जो है वर्ल्ड में है पैलियोलिथिक एज या पूरा पाषाण युग, लेकिन पूरा पाषाण युग का काल भारत में कब है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ पैलियोलिथिक एज इन इंडिया। तो इट इज 5 लाख ईयर्स अगो टू 10,000 ईयर्स अगो। भारत में पूरा पाषाण काल की अवधि क्या है, तो 5 लाख वर्ष से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक। 11 का है ए। 12, What does the Greek word paleo and lithic in paleolithic means? Paleo का मतलब होता है old, paleo का मतलब होता है old, और lithic का मतलब होता है stone, old stone age. तो 12 का है सही ऑप्शन ए। पूरा पाषाण काल में ग्रीक शब्द paleo और lithic का क्या अर्थ है? Paleo का मतलब होता है पुराना और lithic का मतलब होता है पत्थर या पाषाण, तो पुराना पाषाण युग। 12 का सही ऑप्शन है ए, 12 का सही ऑप्शन है ए। 13, व्हाई डिड द पैलियोलिथिक पीपल लिव नियर द हिलॉक्स। हम लोग देखे हैं कि पूरा पाषाण काल का जो भी हम लोग को स्थल मिला है वो पहाड़ी या चट्टान के पास ही है, तो लोग चट्टान के पास क्यों रहते हैं? अरे भाई ये पाषाण युग है, वो लोग पत्थर का औजार बनाते थे, दे यूज टू मेक इक्विपमेंट्स ऑफ स्टोन, तो ऑब्वियसली दे विल लिव नियर हिल्स। तो 13 का व्हाई डिड द पैलियोलिथिक पीपल लिव नियर द हिलॉक्स, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोन्स।
पूरा पाषाण काल के लोग पहाड़ियों चट्टान के पास क्यों रहते थे? पत्थरों की उपलब्धता। 13 का सही ऑप्शन ए। 14, व्हाट वर द मेन टूल्स ऑफ द लोअर पैलियोलिथिक फेज? आरंभिक या प्रारंभिक पूरा पाषाण युग चरण में मुख्य औजार क्या थी? देखिए, मुख्य औजार जो थी, एक था हैंड एक्स, इसको बोलते हैं कुल्हाड़ी, है ना। देखिए इसका ये पोर्शन नुकीला है, ये पोर्शन नुकीला है कुल्हाड़ी की तरह, तो इसको हैंड एक्सेस या कुल्हाड़ी बोला जाता था। दूसरा है गड़ासा, जिसको इंग्लिश में क्लीवर्स कहते हैं, इसको पेड़ के तना को या पेड़ को काटने के लिए गड़ासा क्लीवर्स इस्तेमाल होता था। तीसरा था चॉपर, इसको दुरमुस करने के लिए, है ना, चपटा करने के लिए, इसको बोलते थे चॉपर्स। क्वेश्चन आपका 14 यही है कि व्हाट वेर द मेन टूल्स ऑफ द लोअर पैलियोलिथिक फेज? हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, चॉपर्स। तो ए बी सी ये तीन आंसर है। आरंभिक या प्रारंभिक पूरा पाषाण युग चरण में मुख्य औजार क्या थे? कुल्हाड़ी, गडासा और काटने वाले औजार। ए बी और सी, 14 का है ए बी और सी, 14 का है ए बी और सी। 15, व्हाट वर द मेन टूल्स ऑफ द मिडिल पैलियोलिथिक फेज? पूरा पाषाण युग के बाद आपका आता है मध्य पूरा पाषाण युग, मिडिल पैलियोलिथिक एज, हिंदी बोलते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। तो मध्य पूरा पाषाण काल और ओल्ड स्टोन एज, प्रारंभिक पूरा पाषाण युग, प्रारंभिक पूरा पाषाण युग और मध्य पाषाण युग में अंतर क्या है? कि एक नया औजार आया। व्हाट वेर द मेन टूल्स ऑफ द मिडिल पैलियोलिथिक फेज? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर अर्ली पैलियोलिथिक पीरियड एंड मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड? मींस अ न्यू टाइप ऑफ पॉलिश्ड, न्यू टाइप ऑफ स्टोन इक्विपमेंट केम। क्या था वो? फ्लेक टूल्स, फ्लेक टूल्स, खपचियों के तरह के चपटे औजार। ये देखिए, ये देख रहे हैं, और थोड़ा सा ज्यादा पॉलिश्ड है, और ये आपको मिडिल पैलियोलिथिक एज में, ये आपको मध्य पूरा पाषाण काल में मिलता है। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्लेक टूल्स, और ये खपची, आज का जो खपची होता है आजकल का, उसी के तरह चपटा औजार। 15 का है सही ऑप्शन ए, 15 का है। अब देखिए, पैलियोलिथिक एज डिवाइड इनटू 3 फेजेस, अर्ली, मिडिल एंड अपर, प्रारंभिक, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट वेर द मेन टूल्स ऑफ द अपर पैलियोलिथिक पीरियड? ब्यूरिंग्स एंड स्क्रैपर्स। 16 का है ए और बी। उन्नत या उच्च पाषाण काल के मुख्य उपकरण क्या थे? तक्षणी और कुरेदने वाले औजार, तक्षणी और कुरेदने वाले औजार, ये है इस तरह का, और थोड़ा सा पॉलिश्ड हो गया है ना, इस तरह से देख रहे हैं, और पॉलिश्ड हो गया है। तो 16 का है सही ऑप्शन ए और बी, 16 का सही ऑप्शन ए और बी। 17, जो हम लोग प्रारंभिक लोअर पैलियोलिथिक फेज में, प्रारंभिक पूरा पाषाण काल में हम लोग हैंड एक्सेस देखते हैं या हत्थे वाला कुल्हाड़ी देखते हैं, उसका क्या काम था? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ हैंड एक्सेस इन द लोअर पैलियोलिथिक फेज? कटिंग द ट्रीज एंड डिगिंग द रूट्स। 17 का ए और बी। देखिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 17 का ए और बी, पूरा पाषाण काल में हत्थे वाले कुल्हाड़ी का क्या उद्देश्य था? पेड़ों को काटना और जड़ों को खोदना। 17 का है ए और बी। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ क्लीवर्स इन द लोअर पैलियोलिथिक एज? जो पूरा पाषाण काल में आपका जो प्रारंभिक काल था, पूरा पाषाण युग का जो पहला काल, प्रारंभिक काल, अर्लीस्ट पैलियोलिथिक पीरियड, इसमें क्लीवर थी, क्लीवर एक औजार था, जिसको हिंदी में, क्लीवर को समझिए हिंदी में आरी की तरह, है ना, आरी जो है, आज हम लोग आरी देखते हैं, उसी को हम लोग क्लीवर्स कहते हैं। तो व्हाट वाज द पर्पस ऑफ क्लीवर्स इन द लोअर पैलियोलिथिक फेज? स्प्लिटिंग द ट्रंक्स ऑफ ट्रीज, माने पेड़ को काटने के लिए, आरी से काटते हैं ना, तो वही काम था। 18 का सी, पूरा पाषाण काल में आरी का उद्देश्य क्या था? पेड़ों के तनों को चीरना। 18 का सी। 19,
व्हाट वाज द पर्पस ऑफ चॉपर्स इन द लोअर पैलियोलिथिक एज, जो आपका आरंभिक प्रारंभिक पुरापाषाण युग था उसमें गड़ासा का क्या काम था, गड़ासा से क्या किया जाता था, चॉपिंग पर्पस, काटने के लिए, चॉपिंग है ना, काट रहे गड़ासा से क्या करते हैं, ऐसे करके काटते हैं, तो चॉपिंग पर्पस 19 का है डी, 19 का है डी, काटने का उद्देश्य चॉपिंग पर्पस। 20, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ब्यूरिन्स इन द अपर पैलियोलिथिक पेज, जैसे जैसे आप पूरा पाषाण युग में आगे बढ़ेंगे तो अच्छे अच्छे औजार आ गए, ठीक है। ब्यूरिन्स मतलब, ब्यूरिन्स का फोटो देखते हैं नहीं है, ब्यूरिन्स का मतलब होता है, हिंदी बोलते हैं तक्षिणी, जैसे पेड़ पे आप ब्लेड से कुछ लिख रहे हैं ना, ब्लेड से कुरेद रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, अपना नाम लिख रहे हैं, रोल नंबर लिख रहे हैं, या देखेंगे डेस्क पे आप ब्लेड से कुछ कुछ लिखते रहते हैं, कुछ बनावट बनाते रहते हैं, उसी को कहते हैं, वो ब्लेड से करते हैं, तो उसी को थोड़ा सा पत्थर का, उसी को हम लोग तक्षिणी कहते हैं, ब्यूरिन्स कहते हैं। तो 20 का है कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ब्यूरिन्स इन द अपर पैलियोलिथिक फेज, इनग्रेविंग ऑन सॉफ्ट स्टोन्स, उस पर कुरेदना, इनग्रेविंग ऑन बोन्स एंड इनग्रेविंग ऑन रॉक्स। तो 20 का है ए बी और सी, उन्नत या उच्च पाषाण काल के तीसरे चरण में तक्षिणी का उद्देश्य क्या था, कि जो भी नरम पत्थर है, हड्डियां हैं चट्टानों पे कुछ, उस पर कुरेदना, कुछ कुछ कुरेदना। तो 20 का है ए बी और सी। अब देखिए स्क्रैपर्स, हम लोग फोटो देखे थे स्क्रैपर्स का, है ना, छिलने, स्क्रैपर का मतलब होता है जिस औजार से आप छिल रहे हैं। तो व्हाट वाज द पर्पस ऑफ स्क्रैपर्स इन द अपर पैलियोलिथिक फेज, ओपटोनिंग बार्क्स ऑफ ट्रीज एंड ऑब्टेनिंग स्किल्स ऑफ एनिमल्स, यदि कोई जानवर है उसका चमड़ा को आपको निकालना है तो यहां पे आपको स्क्रैपर्स की जरूरत पड़ेगी। स्क्रैपर मतलब छिलने वाले औजार, छिलने वाला औजार होगा तभी ना आप पेड़ का छाल निकालेंगे, जानवर का छाल निकालेंगे। तो 21 का सही ऑप्शन है सी और डी, उन्नत या उच्च पाषाण काल में छिलने वाले औजार का उद्देश्य क्या था, पेड़ों की छाल को खींचना, जानवर की खाल को खींचना। तो 21 का है सी और डी। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर हैव बीन द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल्स इन इंडिया, हम लोग बात किए थे कि भारत में विश्व में पूरा पाषाण काल युग 25 लाख वर्ष पहले चालू हो गया, इंडिया में चालू हुआ 5 लाख ईयर्स अगो, तो भारत में सबसे पहला पूरा पाषाण काल के उपकरण कहां पाए गए हैं, तो चेन्नई में याद रखिएगा, चेन्नई में जगह है पलवरम है ना, और यही पे पहला पैलियोलिथिक साइट मिला है, और उसको खोजने वाले का नाम है रॉबर्ट ब्रूस, और किस साल, तो साल है आपका 1822 का सही ऑप्शन है ए, 22 का सही ऑप्शन है ए। चलते 23, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लोअर पैलियोलिथिक साइट्स इन इंडिया, भारत में प्रारंभिक या आरंभिक पूरा पाषाण कालीन स्थल कौन कौन सा है भाई, तो ये आपका पलवरम, ये कहाँ है, चेन्नई में यानी तमिलनाडु, दूसरा है आपका गुड़ियम कहाँ है, कर्नाटक में, और तीसरा है भिम्बेत, ये मध्य प्रदेश में। तो 23 का है सही ऑप्शन डी, ऑल द ऑप्शंस। निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रारंभिक पूरा पाषाण कालीन स्थल है, पलवरम जो कि चेन्नई में है, गुड़ियम जो कि कर्नाटक में है, और भीमबेट जो कि मध्य प्रदेश में है। तो 23 का सही ऑप्शन है डी। 24, वेयर डू वी फाइंड द ओनली होमिनिन फॉसिल इन इंडिया, भारत में एकमात्र होमिनिन जीवाश्म कहां मिलता है, ये देखिए ये है आपका होमिनिन फॉसिल, मानव जाति का जो है ये स्कल जीवाश्म है, ये हम लोग को भारत में मिला है, एकमात्र यही मिला है जिसका नाम हम लोग लिखे हैं नर्मदा ह्यूमन, इसको नर्मदा ह्यूमन बोला जाता है, यानी भारत में एकमात्र होमिनिन जीवाश्म कहां मिला है, वेयर डू वी फाइंड द ओनली होमिनिन फॉसिल इन इंडिया, तो वो आपको मिला है हथनौरा में, ये मिला है हथनौरा में, कहां मिला है हथनौरा में, हथनौरा कहां है, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जगह है, और होशंगाबाद के नजदीक में ये जगह है हथनौरा। तो ओनली होमिनिन फॉसिल फाउंड इन इंडिया इज फ्रॉम
हथनौरा नियर होशंगाबाद इन मध्य प्रदेश। और इनके जो स्कल है ना, स्कल, इसका नाम दिया गया है नर्मदा ह्यूमन, याद रखिएगा। 24 का सही ऑप्शन है ए। वेयर वी हैव फाउंड एलिफस नेमेटिकस, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये बड़ा सा हाथी का ये आपका दांत है ना, ये देखिए ये दांत है बड़े से हाथी का, और इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है पुरातात्विक अवशेष के आधार पे। तो कोई ऐसा प्राचीन काल में आपके पूरा पाषाण युग में ऐसा हाथी हुआ करता होगा जिसका इतना लंबा ये दांत था, और इसका नाम दे दिया गया है एलिफस नेमेटिकस, एलिफस नेमेटिकस। तो वेयर वी हैव फाउंड एलिफस नेमेटिकस, तो नर्मदा घाटी में, नर्मदा घाटी में। एलिफस नेमेटिकस क्या है? एक आपका प्राग ऐतिहासिक हाथी है। हमें एलिफस नेमेटिकस कहां मिला है? तो नर्मदा घाटी में। तो 1 से 5 टेस्ट 7 सेक्शन बी 1 to 25 इस वीडियो में है। अगला वीडियो में हम लोग 26 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।